हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल पमनानी और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके बैंक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में कई बार इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप जानते ही हैं कि बैंक एग्ज़ाम में रीजनिंग सेक्शन में कम से कम 35 क्वेश्चन आते हैं। और मान लीजिए अगर कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आ जाएँ तो आप कितनी आसानी से इसको कर सकते हैं। ऐसे ही बैंक एग्ज़ाम्स के अलावा हमारे SSC, रेलवेज, व्यापम और कई सारे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं, आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आज जो हम डील करने वाले हैं वो है सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग। अब आप सोच रहे होते हो सच रोचे होंगे कि सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। तो सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग में आपको कुछ सेंटेंस दिए होते हैं और उसके कुछ कोड दिए होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पहला सेंटेंस जो है उसमें आपको दिया हुआ है कि डम मंकीज आर एक्टर्स इज कोडेड एज ला पा जी टा। फिर दिया हुआ है जोकर मंकीज आर डम इज कोडेड एज पा जी ला सा। फिर दिया हुआ है फ्लावर्स आर रेड फूल इज कोडेड एज ना ही गा पा। फिर दिया हुआ है डम पिंस एंड फ्लावर्स इज कोडेड एज जी मी जो गा। तो ये हमें सेंटेंस दिए हैं और उनके कुछ कोड दिए हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है हमारे आंसर्स निकालने में। तो सबसे पहला जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है व्हाट डस पा स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे जो कोड दिख रहा है आपको पा करके, उसका आंसर क्या है, वो कौन से वर्ड से रिलेट कर रहा है। तो ऑप्शन में है जोकर, फ्लावर, आर, पिंस, नन ऑफ दीस। ओके, तो अब हम कैसे ढूंढेंगे, हम ऐसे ढूंढेंगे, हमें वर्ड्स कॉमन निकालना होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अब जो पा वर्ड है वो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब इन तीनों सेंटेंस में पा कॉमन आ रहा है। तो ऐसा कोई वर्ड होगा जो तीनों सेंटेंस में आ रहा होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी आर है, और बाकी ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। इसका मतलब जो पा का कोड होगा वो हमारा क्या होगा, पा का कोड हमारा आर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। ओके, अब पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर लास्ट एंड फॉर। तो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि ला का कोड क्या है। तो फिर से हम अगर हम देखेंगे तो ला हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा हमें ला यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, ला हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अगर हम इस सेंटेंस में देखते हैं, पा तो हो नहीं सकता, पा तो आर का हो गया, बचा ला जी सा, लेकिन यहाँ पे भी ला है और जी भी है। तो अब हम पता नहीं कर सकते कि ला किसका कोड है, लेकिन अगर आप देखेंगे जी जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका मतलब इन तीनों सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड होगा जो कॉमन आ रहा होगा। तो वो वर्ड है डम। डम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका मतलब जो जी है वो डम का कोड है। तो बचा कौन सा वर्ड जो दोनों में कॉमन आ रहा था, वो है मंकीस। मंकीस दोनों में कॉमन आ रहा था, इसका मतलब जो ला है वो मंकीज का कोड है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे पा जो वर्ड था वो था आर के लिए, तो बचे तीन लेटर्स कौन से, जोकर, मंकीज और डम। लेकिन हमें दिखा कि जी जो कोड है यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये जो डम लेटर है वो तीनों में आ रहा है, इसका मतलब जो जी कोड है वो डम के लिए होगा। ओके, तो ये आंसर जी जो है वो डम के लिए है, बचा क्या, ला। तो ला इन दोनों में जो कॉमन आ रहा था मंकीस, उसका कोड होगा। तो यहाँ पे जो ला का कोड होगा वो होगा मंकीस, जो कि हमारा आंसर होगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ विल डम जोकर फ्लावर बी कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। तो डम जोकर फ्लावर का कोड क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे डम का कोड पता कर लिया था। डम का कोड क्या था, डम का कोड था जी, ये जी डम का कोड था।
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी जी आ रहा है, यहाँ पे भी जी आ रहा है, यहाँ पे भी जी आ रहा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में जी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचे हमारे तीन ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें जोकर और फ्लावर के कोड निकालने होंगे। तो जोकर और फ्लावर के कोड कैसे निकलेंगे? तो अगर हम गौर से देखें तो ये फ्लावर यहाँ पे भी आ रहा है, ये फ्लावर यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब इन दोनों में फ्लावर कॉमन है। इसके अलावा ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो कॉमन है। अगर फ्लावर इन दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब कोई ना कोई ऐसा कोड होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा। अगर हम गौर से देखेंगे तो ये गा और ये गा, ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब फ्लावर का कोड क्या हो गया? गा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जी है लेकिन गा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे जी है और गा भी है, यहाँ पे जी नहीं है और गा नहीं, मतलब गा नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बचे दो ऑप्शन, ये वाला और नन ऑफ दिस। अब हमें चेक करना होगा कि जोकर का कोड क्या है। ओके, तो चेक करते हैं जोकर का कोड क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जोकर मंकीज आर डम, तो डम का कोड था हमारा कौन सा? जी। आर का कोड था हमारा पा, और मंकीज का कोड था हमारा ला। तो बचा क्या? सा। सा वो कोड होगा जोकर के लिए। तो यहाँ पे क्या सा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो जी सा गा हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि डम जो है वो उसका कोड जी आ चुका है, फ्लावर का जो कोड है वो गा आ चुका है, और जोकर का जो कोड है वो सा आ चुका है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पूछा है हाउ विल फ्लावर्स आर कूल बी कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो सबसे पहला कोड निकाला था कौन सा? पा, वो आर के लिए था। फिर हमने फ्लावर का कोड निकाला जो कि गा था। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो हमें पा और गा कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो पा और गा हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा आर का कोड था पा और फ्लावर्स का कोड था गा। तो पा और गा आना जरूरी है, लेकिन हमें इन चारों ऑप्शन में पा और गा नहीं मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन का आंसर नन ऑफ दिस होगा। ओके, तो ऐसे करके आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग विल बी कोडेड एस ना ही ला इन द गिवन लैंग्वेज। तो ना ही ला इन तीनों, मतलब पांचों सेंटेंस में किसका कोड हो सकता है? तो ऑप्शन में दिए हैं मंकीज आर फूल, रेड फूल मंकीज, जोकर मंकीज फ्लावर, रेड डम फ्लावर एंड नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको मेरे जो पहले के क्वेश्चन मैंने अच्छे समझाए हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाएगा। और प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे समझ में आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।